बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने नकाला भी दिलें पढ़िया डॉक्टर साहब नाल, मेरी गुजारिश है और स्टेज पर बैठे जो हजरात कि एक तो गोली के बारे में अपना सवाल करने से पहले इतनी गुजारिश और करना चाहना इन्होंने कहा लगे बताते हुए कि बोली बिच जबान नहीं आती जबकि जबान बिच कई बोलियां आदि। सब तो बड़ी डिफिनेशन यह भी एक है बोली और जबान की डिफरेंस बिच यह भी एक है। दूआ मैं गुजारिश करना चाहना कि मैं तुसा बिच वेखा, मैं अपने आप में तुसा को अलग नहीं समझना। असा ने आने जो एक कम इंपॉर्टेंट रह गया असा ने इनको वास्ते जरा करना, चाहे असं पहाड़ी वास्ते करा चाहे सराकी वास्ते करा, जी जहाँ सोती निजाम जहाँ जबाना एक है खासकर हिंदको का। असा जरा जरा गंदारा बोर्ड ने जरा हूँ आइंदा कम करने अज की कॉन्फ्रेंस तो बाद, तो मैं डॉक्टर ज़हूर साहब ये गुजारिश कर सा कि तुसा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पहाड़ी हिंदको स्क्रिप्ट का काम करना ताकि असा को अदब का जरा जखीरा जमा हो गया, चाहे वह शहरी अदब है चाहे वह फोक लोक अदब है चाहे वह जदीद अदब है नसर बच्चा है जो भी है, वह असा को एक बहुत बड़ा किताबों का अंबार लग गया। उस किताब को स्टैंडर्डाइजेशन दिता है दिखने वास्ते असा ने एक बोर्ड बनना चाहिए, चाहे वह डॉक्टर अलाई बख्श अवान साहब की सरप्रस्ती में होवे चाहे तुम सारे उस पर शामिल हो। तो यह मैं एक लसानियात एक तालिब इलम होने के नाते तुम गुजारिश कर सी अगला काम असा यह होना चाहिए कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इनको सिरे पाना चाहिए और इसका काम फौरी तौर पर अकैडमी के जरिए होना चाहिए। डॉक्टर इलाई बख्श अख्तर अवान साहब बजायर साढ़े को जाके बरतानिया बस गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह आज सिलसिला शुरू होया है अगर साढ़ा हिंदको डिपार्टमेंट इतने पेशावर यूनिवर्सिटी बनया असं इन्हों रिक्वेस्ट कर सी इंशाल्लाह इतने आसन और आके कम संभाल सन और उस तो हर इलाके जिथे जिथे इनको बोली जाती है उतों के नुमाइंदे जिस तरह शायद जमान साहब ने भी सवाल किया है कि असी कायदा या लहजे या सारे और तुहाड़ी गल बिल्कुल ठीक है कि जबान के अंदर बहुत सारिया बोलियां होंदिया वन और जाहिर है कि इस जबान होने का सबूत है कि हजारे दार कश्मीर दार सिंध दार दरियाए सिंध के दोनों किनारियों के उ जी जबान बोली जाती है वह लहजिया के फासलियाँ के फर्क के नाल वही हिंदको जबान का कोई ना कोई रूप है। तो इस वजह के नाल उसकी तकदीम और ताखीर दार मौकेकीन कह सकते हैं कि ये पहले वे थे वो बाद चे, लेकिन एक जबान है जिस तरह इतने डॉक्टर अमजद साहब ने भी सुबह फरमाया है कि आखिर एक गुंगियां की जमीन तो नहीं है ही ना जी, जोड़े लोग मतलब हूँ इतने आके इस खिते दे वारस होए तो वो इस के समझते हैं कि इतने इतनी जरखेज पिशावर की जी वादी है इतने कोई रेंद ही नहीं आया, अगर रेंद आया तो गुंगा आया, गुंगा नहीं आया तो मुँह से टेप चिपकई उस जमाने टेप भी ईजाद हुई उसी बोलता कोई नहीं आया। जिस तरह डॉक्टर साहब ने किया है कि जमीन के तले भी तो एक लेयर है ना, तुम ये गोरखटड़ी जासो कल राती साढ़ा उथे तकरीब है मुशायरा भी है खाना भी है सब कुछ है उथे उथे जाके देखो जड़ी एक्सकेवेशन हुई हैं वो किड़े जमाने हैं एक्सकेवेशन के जड़े माहरीन वो दस दिन के जनाब ये एक जड़ी लेयर है ये एक इंच दी ये तो 10,000 साल जाके बनती है, तो अगर 10 लेयर तुम चले जाओ तो 1,00,000 साल पिछे चले जाते हो। ये तो ये बड़े लंबे एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी तो उसके उलूम हैं उसके कारण सारिया चीज़ा जड़ियाँ सामने आई जसन मुहक्कीकीन, लेकिन सानू एक प्लेटफॉर्म चाहिए आ वो प्लेटफॉर्म साने इतने मुहैया किया है उसके बाद एक सिस्टमैटिक साने इनको डिपार्टमेंट बढ़ा लिता उत्थे तसनीफ और तालीफ का काम हो सी इनको अकेडमी बन गई उसके अंदर मुख्तलिफ लहजियां उत्ते काम शुरू हो सी थीसिस लिखे जा सन इतने साढ़े इतने पिशावर यूनिवर्सिटी कार कुछ अरसा पहले एक जबान दे एम ए का कोर्स शुरू होया तो उन्होंने को किताबा नहीं है उन्होंने उस कार अंग्रेजी किताबा भी शामिल कीतियाँ उस जमाने के कोर्स उठा के देख ले जाऊ कि उन्होंने अपनी जबान के नाल अंग्रेजी किताबा भी शामिल है क्योंकि कोर्स तो पूरा करना है तो इतने भी कोर्स पूरा करने से सानू अंग्रेजी किताबा अगर डॉक्टर इलाई बख्श साहब का मकाला अंग्रेजी दार है तर्जुमा नहीं होता असं अंग्रेजी पढ़ा सीए यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी तो हर जबान पढ़ाया जा सकता है तो यह सिलसिला जोड़ा है इंशाला वी अगे असी अपनी कोशिश जी जारी रखे जी जनाब।